और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां दमोह धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पर गाज गिरेगी। अध्यक्ष प्रेक्षा पाठक पर छापे की सूचना लीक करने का आरोप है और प्रेक्षा पाठक पर जल्द ही कार्रवाई भी हो सकती है। तो दमोह कलेक्टर और एसपी से एक्शन टेकन की रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो यह बड़ी खबर भोपाल से है, जहां दमोह धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही दमोह कलेक्टर और एसपी से एक्शन टेकन की रिपोर्ट भी मांगी गई है। आपको ये भी बता दें, अध्यक्ष प्रेक्षा पाठक पर छापे की सूचना लीक करने का आरोप है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सकती है। मेरी सहयोगी मितांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, दमोह धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। जी देखिए, बिल्कुल, दमोह धर्मांतरण मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर एक और एसपी को जो है कमीशन के द्वारा तलब किया गया है, तो दूसरी ओर ये सामने आया है कि जिला बाल कल्याण समिति की जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं पर आरोप है कि वो जो है पूरे मामले की जो सूचना है वो लीक कर रही थी। देखिए, औचक निरीक्षण किया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, और इस औचक निरीक्षण में ये पाया गया कि इनके निरीक्षण की जो सूचना है वो भी पूरी तरीके से जो है बाल कल्याण जो समिति है उनके अध्यक्ष ने लीक की थी, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है। तो जल्द प्रेक्षा पाठक जो है, जो अध्यक्ष है, उन पर गाज गिर सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर हो सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं, और दमोह धर्मांतरण मामले में जो है एसपी और कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, और 10 दिन के भीतर यानी कि 5 तारीख को ये लेटर जारी हुआ है, 15 दिसंबर तक जो है उनको पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी कि मिशनरी में जितने भी बच्चे रह रहे थे वो कहाँ से थे, उनको क्या अडॉप्ट किया गया था, या वो एससी वर्ग से थे या फिर उनके माँ बाप, पूरा जो है उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूरी रिपोर्ट के आधार पर ही देखा जाएगा कि क्या जो धर्मांतरण का मामला है, जो बच्चों को परेशान करने का मामला है, क्योंकि ये भी सामने आया है कि बच्चों को उसमें जो है शारीरिक तौर पर भी जो है वो अब्यूज किया गया था और कई तरीके के आरोप इसमें सामने आए हैं। तो दमोह धर्मांतरण मामले में खुलासे हो रहे हैं, और ये जो धर्मांतरण मामला है इसको लेकर अब पूरा जो है राष्ट्रीय स्तर वो पूरी तरीके से सख्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है परेशानियां अब अध्यक्ष की बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यही है कि अंदर से ही पूरी इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही थी, और इसको लेकर अब सख्ती के साथ जो कार्रवाई होने वाली है, 10 दिन में जो भी एक्शन हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और इस रिपोर्ट में बच्चों का पूरा ब्यौरा किया जाएगा कि किस तरीके से धर्मांतरण का काम चल रहा था और कितनी कार्रवाई अब तक धर्मांतरण को लेकर जो है पूरे एसपी और कलेक्टर ने की थी, इसको लेकर भी पूरी जानकारी जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की तरफ से मांगी गई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।